कटाई चल रही है, घाटी कटाई चल रही है, समझ सकते हो तुम? ओके, सो मेरे पास क्या हो गया, वुमेन अमृता बिश्नोई, अमृता देवी, हे देवी, हे देवी, आप तो कम से कम काटिए, आप तो कम से कम काटिए, शो एग्जेम्पलरी करेज, हम नहीं काटने देंगे, करेज दिखाया उसने, झप्पी पाली, करेज देख रहे हो तुम लोग, सीधा झप्पी पाली, सबके सामने झप्पी पाली है, शर्म ही नहीं आ रही, झप्पी पाती है वो, और किंग मैन उसको क्या करते हैं, उसको कहती है, हे प्रभु, इसे काटने से पहले आपको मुझे काटना होगा, समझ रहे हो, हे प्रभु, आपको इस पेड़ को काटने से पहले मुझे काटना होगा, तो अब उन्होंने क्या कहा, ठीक है देवी, अमृता देवी, आप अमृत के समान हैं, पर हम आपको कच्चा 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 काट देंगे, तो काट दिया, कोई भार नहीं। इस चैप्टर में मुझे 3 वर्ड बहुत पसंद आया है, मेरी भी बेटियां, 3 बेटियां हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे काटोगे, हम मैं अपनी 3 बेटियों को लेकर आऊंगी, 3 बेटियां गई, उनको भी काट दिया, काट दिया, काट दिया, हंड्रेड्स ऑफ बिश्नोई, बचाओ बचाओ, वो भी भागे, उनको भी काट दिया, काट दिया, काट दिया, सब मर गए, सबके सब मर गए, छपाक से पहचान ले गए। तो ये हम लोग के पास अपनी कहानी थी, थैंक यू सो मच, एंड आई वुड लिटरली लाइक टू थैंक्स ऑल लाइक जितने भी लोग यहाँ पर विराजमान है मेरी कहानी सुनने के लिए। बचपन से मेरे अंदर ये टैलेंट था, लेकिन मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपना ये टैलेंट जो है वो दिखाने का मौका मिला। मैं अनअकैडमी को धन्यवाद करना चाहूंगी और यूट्यूब चैनल को धन्यवाद करना चाहूंगी, एंड मेरे उन दोस्तों को धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस काबिल बिगाड़ा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बस तालियां 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 तालियां। ठीक है जी, तो ये कहानी हम लोगों के पास थी, पूरी की पूरी जोधपुर के राजा की हमने कहानी देखी 1931 में, सन 1931 में जोधपुर के राजा थे जिन्होंने कहा कि मुझे महल बनवाना है, काटो काटो काटो, बिश्नोई ने क्या कहा, नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे, देवी आई, देवी बोली नहीं, सबके सामने झप्पी पाली, बोली आओ मुझे काटो, मेरी लाश पे से तुम लोगों को गुजरना होगा वरना मैं इनको नहीं काटने दूंगी। अब क्या उसने कहा, ठीक है तुझे भी काट देंगे, तुझे भी काट देंगे, काट दिया हम लोगों ने। अब काट के क्या हुआ, वहां पर उसकी बेटियां गई, बेटियों ने भी छप्पी पाली और उनको भी काट दिया, हंड्रेड्स ऑफ बिश्नोईज भी गए, उनको भी काट दिया गया। तो अब इसने एक इतिहास रच दिया हमारे हमारे पूरे उसके अंदर इतिहास ये रच गया, और इसकी वजह से इतने सारे लोग जो है वो मारे गए, और अब उसके लिए हम लोगों के पास